नायब सूबेदार सोमवीर, द जाट रेजिमेंट 34th बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स। मरणोपरांत नायब सूबेदार सोमवीर 34 राष्ट्रीय राइफल्स जाट की उस असॉल्ट टीम का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की योजना तैयार की तथा उसे अंजाम देते हुए 3 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। लक्षित मकान की घेराबंदी करते समय नायब सूबेदार सोमवीर ने विशिष्ट सैन्य कुशलता तथा साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों के बच निकलने के सबसे संभावित रास्तों पर अपनी और अपने साथी की तैनाती की। एक आतंकवादी ने भीषण गोलीबारी के साथ साथ ग्रेनेड दागते हुए उस घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया जिसमें उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। नायब सूबेदार सोमवीर ने अपने साथी को खतरे में देख स्वयं के प्राणों की परवाह न करते हुए जख्मी होने के बावजूद आमने सामने की लड़ाई में उस आतंकवादी को मार गिराया। बाद में उसकी पहचान एक खूंखार विदेशी आतंकवादी के रूप में की गई। सीने में एवं गर्दन में गोलियां लगने के कारण अंततः वो वीरगति को प्राप्त हुए। नायब सूबेदार सोमवीर ने भीषण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता तथा अटूट निस्वार्थ सेवा भाव का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक सूबेदार सोमवीर की पत्नी श्रीमती सुमन देवी एवं माता श्रीमती राजेंद्र देवी। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल एडीसी।